हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी का लाइव। आज के सेशन में हम लोग ओरेओन ट्राइब के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि झारखंड और छोटा नागपुर एरिया में रहती हैं। ठीक है, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने और भी ट्राइब्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि गोंड, भील, नागा, थारू, सांथाल, ठीक है, और जैसे फॉरेन ट्राइब्स जैसे कि इस्किमो, बुशमैन, मसाई। ठीक है, तो आज हम लोग ओरेओन ट्राइब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इनकी लाइफ कैसी है, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी सोसाइटी, इनकी इकोनॉमी एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर आपको इस पूरे कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, उसको ज़रूर फॉलो करिए, और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कॉन्टेंट। सो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन और इनका लोकेशन, ये कहाँ पाए जाते हैं। सो ओरेओन ट्राइब, जिनको हम लोग कुरुक ट्राइब भी बोलते हैं, ये छोटा नागपुर एरिया के लोग हैं, यहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। इनको कुरुक बोलते हैं, ये अपने आप को कुरुक बोलते हैं, और जनरली कुरुक नाम से भी इनको जाना जाता है। सो जो ये लोग भाषा बोलते हैं, ठीक है, तो इनकी जो भाषा है, इनका जो भाषा का एक्सेंट है, जो लैंग्वेज है, ये द्रविड़ियन है, और जो भाषा है, ये जो गोंडी और बाकी जो सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स हैं, संथाल्स हैं, भील्स हैं, इनसे ही एकिन है, मतलब इनसे ही मिलती जुलती है। पहले के टाइम पर ये लोग साउथ वेस्ट ऑफ रोहतास प्लेटू वहाँ पर रहते थे, बट माइग्रेट करके छोटा नागपुर एरिया में रहने चले गए। ठीक है, मतलब रोहतास प्लेटू ये जो है, ये रिवर गंगा के जो साउथ वेस्ट पोर्शन है वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन अब जो इनकी ट्राइब है, ये सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर एरिया में ही पाई जाती है। ठीक है, और कौन कौन से स्टेट्स, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र एंड असम। सो जैसे कि आप इन मैप में देख सकते हैं, जो ये एकदम डार्क वाला पोर्शन है, जो कि छोटा नागपुर वाला एरिया है, झारखंड, मेन झारखंड। ठीक है, सो यहाँ पर ये बेसिकली सबसे ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन पाया जाता है। सो इसके बाद देखते हैं इनका सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी। सो पहली बात तो इनका क्या रेशियल फीचर है, ये छोटी हाइट की होते हैं, इनका स्टैच्योर मतलब हाइट छोटी होती, छोटे कट के कद के होते हैं, और मीडियम मतलब हाइट में छोटे और बिलो मीडियम होते हैं। हालांकि इनके ट्राइब के अंदर काफ़ी ज़्यादा सबकास्ट नहीं है, लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको कूडा और किसान बोलते हैं। कूडास मतलब लेबरर्स जो होते हैं, नेवीज मतलब लेबरर्स, और किसान मतलब जो कल्टीवेटर्स होते हैं। ठीक है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और आपस में ये लोग शादी करते हैं। ठीक है, और जैसे कि कास्ट है, जैसे कि किसान की कास्ट है या नेवी की कास्ट है, कूडा है, तो उसमें तो ये आपस में शादी कर लेंगे। कूडा एक कूडे से शादी करेगा, एक किसान एक किसान से शादी करेगा, बट ये लोग एक्सोगैमी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बियॉन्ड एक्सोगैमी मतलब अपने जो ग्रुप है, ठीक है, उसको छोड़ करके दूसरे ग्रुप में ये लोग शादी करते हैं। ठीक है, सो विलेज, दूसरे विलेज का ग्रुप भी ले सकते हैं या दूसरे क्लैन का भी ग्रुप ले सकते हैं। सो दे प्रैक्टिस बोथ और विलेज एज वेल एज क्लैन एक्सोगैमी। नेक्स्ट इज पेट्रिलिनियल एक्सटेंडेड फैमिली होता है यहाँ पर। पेट्रिलिनियल मैंने आपको बताया, जिसको हम लोग पितृवंशीय बोलते हैं, कि जो एक्सेंट है वो फादर के साइड से होता है, मतलब जो मेल होगा, जो उसके बाद जो नेक्स्ट एयर होगा या जो नेक्स्ट जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी या जिसको पूरा घर की जिम्मेदारी मिलेगी, वो नेक्स्ट मेल होगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने संथाल वाली वीडियो में आपको पेट्रिलिनियल, पेट्रीलोकल और पेट्रियार्कल तीनों में बेसिक डिफरेंस बताया था। एक ब्रीफ में बता देता हूँ, पेट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहाँ पर सारे डिसीजंस, जो बड़े बड़े या मेन डिसीजन होते हैं, वो मेल के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग हिंदी में पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। उसके बाद सेकंड वर्ड जो है यहाँ पर पेट्रिलिनियल, जिसके बारे में बताया, और थर्ड वर्ड जो होता है वो होता है पेट्रीलोकल, जिसको हम लोग पितृ स्थानीय समाज भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो फीमेल होती है वो शादी के बाद मेल के घर जाती है। हालांकि ये तीनों ही एक तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। एक फैमिली में, एवरेज फैमिली में 5 से 7 लोग रहते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो 16 से 20 साल की उम्र के बाद जब प्यूबर्टी गेन कर लेते हैं, उसके बाद ये लोग शादी करते हैं। शादी के टाइम एक बहुत ही यूनिक कल्चर यहाँ फॉलो हो जाता है, कि जो बोथ द फीमेल और मेल है, जो बोथ द सेक्सेस हैं, एक यूथ डॉर्मेट्री, जिसको ये लोग ढुमकुरिया बोलते हैं, वहाँ पर ये लोग साथ में सोते हैं। दे स्लीप टुगेदर इन अ यूथ डॉर्मेट्री, मतलब एक जहाँ पर नौजवान लोग, मतलब यूथ डॉर्मेट्री जहाँ पर लोग रहते हैं, होटल टाइप का, जिसको ये लोग ढुमकरिया बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये लोग पहले रहते हैं। ठीक है, बॉयज़ में ब्रांड, बॉयज़ को ब्रांड मतलब एक आर्म पे एक उनके कुछ निशान बना दिया जाता है, ताकि पता चले कि ये इस इंस्टीट्यूशन में एडमिट किए गए, मतलब ढुमकरिया में। ज़्यादा से ज़्यादा ओरेओन जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, और पहले पुराने टाइम में ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। हंटिंग एक टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी इन लोगों के लिए, बट अब जो है हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कुछ सेरेमनीज़ में हंटिंग प्रैक्टिस की जाती है, और एक वुमेन हंटिंग सेरेमनी होता है जिसमें औरतें हंटिंग करने के लिए जाती हैं, वो हर 12 साल पे हेल्ड होता है। ठीक है, सो कुल मिला के अब ज़्यादातर
ओरियन जो ट्राइब है वो कल्टिवेटर्स है, ठीक है, हंटिंग प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि इनकी पॉपुलेशन में कुछ एक मेजॉरिटी क्रिश्चियंस भी है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो हिंदू फॉर्म ऑफ वर्शिप को फॉलो करती है, मतलब हिंदू के हिंदुज़म के जो राइट्स एंड रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। जो डेटीज़ हैं, मतलब जिनकी पूजा की जाती है, जो भगवान है, वो जनरली यहाँ पर लोकल ही हैं, लोकल भगवान है, ठीक है, बड़े बड़े मतलब जो सांस्कृतिक भगवान है ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नहीं है, यहाँ के लोकल गॉड्स हैं। तो ये तो देखा ही जाता है कि ट्राइब्स में जनरली लोकल गॉड्स होते हैं। तो कौन कौन से लोकल गॉड्स हैं यहाँ पर? चंदी, चौथिया, डडगो भूरिया, गांव देवती एंड जयर बूढ़ी, ठीक है। और ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके नाम कहीं पर भी इंडिया में और नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये इन्हीं एरिया में सिर्फ पूजे जाते हैं, गॉट इट। और सबसे रिमार्केबल फीचर इन ट्राइब का ये है, इनकी सोसाइटी का ये है कि ये लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है बहुत ही कम लोग या बहुत ही कम ट्राइब्स प्रैक्टिस करते हैं, और इनके जो आसपास की ट्राइब हैं जो कि मुंडा और मारिया हैं, ये दोनों और इनके साथ ओरियन, ये भी ह्यूमन सेक्रीफाइस को प्रैक्टिस करते हैं। और ओरियन्स लोग ह्यूमन सेक्रीफाइस को ओटंगा या ओरका बोलते हैं। और जनरली ये जो सेक्रीफाइस होता है ये भगवान के लिए किया जाता है, ताकि वो, क्योंकि ये कल्टिवेटर्स होते हैं तो ये जब सेक्रीफाइस करते हैं तो ये समझते हैं इस वजह से सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि इनकी सोयल की फर्टिलिटी कंट्रोल होगी, सोयल की फर्टिलिटी अच्छी हो जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि जो ये सेक्रीफाइस करते हैं, जिस भी ह्यूमन के उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसके ब्लड को ये लोग सीड्स में मिला करके उसको बोते हैं, उसको सो करते हैं, या फिर जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में, उसके फील्ड के अलग अलग पार्ट्स में गाड़ देते हैं या उसको सो मतलब बरी कर देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये सब करने से उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। और बाय चांस अगर कोई ह्यूमन विक्टिम नहीं मिल पा रहा है तो ये लोग क्या करते हैं, बॉडी का कोई भी एक ऐसा पार्ट जैसे कि हेयर है, बाल या स्पूटम, स्पूटम मतलब जो मतलब म्यूकस होता है जिसको बलगम कहते हैं उसको, या बॉडी का कोई भी एक कुछ भी पार्ट, ठीक है, बॉडी का कुछ भी ऐसा लीविंग जो मतलब जो बॉडी से निकल रही हो या बॉडी से छूट रही हो उसको ये लोग लेते हैं और मुर्गे के ब्लड में, ठीक है, हैंस ब्लड में मिक्स करके गॉड या गॉडेस को ऑफर करते हैं। ये तब किया जाता है जब ह्यूमन, कोई ह्यूमन विक्टिम नहीं मिल रहा होता है सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया में ह्यूमन सेक्रीफाइस एकदम इलीगल है, बट जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो काम हो रहा है वो उनकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हो रहा है, ठीक है। सो अगर किसी पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वहाँ भेजा जाता है तो वो लोग कोऑपरेट नहीं करते, वो लोग बताते नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। और जितना भी ह्यूमन सेक्रीफाइस का प्रोसेस होता है ये थोड़ा दूर मतलब रिमोट एरियाज़ में होता है, और सोइंग सीजन के स्टार्टिंग में जब बीज बोए जाते हैं उसके स्टार्टिंग में ये किया जाता है। और उनका एक फेस्टिवल होता है जिसको लोग सरहुल बोलते हैं, इस फेस्टिवल के आसपास ये जो ह्यूमन सेक्रीफाइस का प्रोसेस है ये किया जाता है। जो ओरियन ट्राइबल सोसाइटी है ये नंबर ऑफ़ टेरिटरी जिसको ये लोग परहा बोलते हैं उसमें है, जो कि 7 से 20 विलेजेस का एक ग्रुप होता है, मतलब 7 से 20 विलेजेस का एक परहा होता है, और ऐसे ही नंबर ऑफ़ टेरिटरीज या परहास में डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद जो इनकी टेरिटरी है मतलब जो परहा है ये, इसमें ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लैन के लोग रहें या अलग अलग क्लैन के भी एक ही टेरिटरी में लोग रह सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही क्लैन के हो, बट एक विलेज में एक डोमिनेंट क्लैन होता है, ठीक है। क्लैन मतलब वंश, मतलब एक पर्टिकुलर विलेज में एक वंश जो होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है, और एक विलेज का हेडमैन होता है, ठीक, और वो उस परहा का मतलब वो उस विलेज का चीफ होता है जिसको वो लोग परहा राजा बोलते हैं। और ऐसे ही हर विलेज का एक हेडमैन होता है जिसको परहा राजा बोलते हैं। और कोई भी अगर इंटर विलेज का डिस्प्यूट होता है, मतलब एक विलेज का दूसरे विलेज से डिस्प्यूट होगा, तो वो जितने भी हेडमैन हैं सारे हेडमैन एक साथ मिलते हैं, काउंसिल तैयार करते हैं और फिर वो आपस में ही उस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले ही बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि इस ओरियन ट्राइब में जनरली 2 कास्ट होती हैं, एक लेबर्स की एक कल्टीवेटर्स की, बट और भी कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं जैसे हर्डर्स, पॉटर्स या मेटल वर्कर्स, जो कि बाकी ओरियन्स को एसेंशियल सर्विसेज या जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो इक्विपमेंट्स चाहिए या जो सर्विसेज चाहिए उनको देते हैं, ठीक है। एक टिपिकल ओरियन का घर जो होता है वो मड वॉल से बना होता है और टाइल्ड रूफ होते हैं। ओरिएंटेशन इनका ईस्ट से वेस्ट होता है और पूरे घर में एक वरांडा होता है। हर घर में एक ही दरवाज़ा होता है और कोई भी खिड़कियां नहीं होती हैं। जनरली 2 रूम्स होते हैं, एक स्टोरेज के लिए और एक सोने के लिए या स्लीपिंग के लिए। मैट पे सोते हैं और रात में मैट लगाते हैं और सुबह हटा देते हैं, ठीक है। और जो पोल्ट्री है मतलब जो रियरिंग ऑफ चिकन्स है मतलब जो बर्ड्स हैं उनका भी कल्टीवेशन देखा जाता है, साथ ही साथ पिग्स, शीप, गोट्स एंड कैटल, इन सब के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर ये लोग रखे जाते हैं।
कुल मिलाकर के जितने भी जानवर होते, चाहे वो पोल्ट्री हो चाहे वो कैटल हो, उन सबको अलग स्ट्रक्चर में रखा जाता है। उसके बाद की अगर बात करें, यहाँ पर रनिंग वाटर नहीं है, ठीक है। जो पानी ये लोग यूज़ करते हैं वो स्ट्रीम्स और डिचेस से निकालते हैं, उस वही ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वही बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं। कपड़ों की अगर बात करें तो लॉयन क्लोथ पहनते हैं, दैट इज़ अ पीस ऑफ लॉन्ग कॉटन फैब्रिक और रेड बॉर्डर्स, ईच एंड में रेड बॉर्डर्स की होता है उसमें, और अपने वेस्ट के अलॉन्ग उसको रैप कर लेते हैं, ठीक। साथ ही साथ हेयर बैंड ऑफ ब्रास और सिल्वर इज़ वॉर्न ऑन द हेड, रिंग्स आर प्लेस इन द ईयर, नेकलेसेस और नेक पे नेकलेसेस होते हैं, और सिंगल बैंगल इज़ वॉर्न ऑन द फोरम ऑफ द राइट हैंड। तो कुल मिलाकर के ये लोग ऑर्नामेंट्स काफ़ी सारे पहनते हैं। अ शॉल इज समटाइम्स रैप्ड अराउंड द शोल्डर्स। फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट डांस फेस्टिवल्स मेन वेयर टर्बन्स। टर्बन मतलब पगड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वहाँ पर लोग जो मेन होते हैं वो टर्बन पहनते हैं। मोर का पंख यानी पीकॉक फेदर या याक टेल को वेस्ट बैंड में लोग टक करते हैं, उसको लगाते हैं, और साथ ही साथ जो बेल है वो अपने वेस्ट या एंकल्स पे उसको टाई करते हैं। बेल मतलब जो घुंघरू टाइप का होता है उसको। बट अभी ये देखा गया है कि जो ट्रेडिशनल ओरियन ड्रेसेस हैं उनको हिंदू, लोकल हिंदू के जो आइटम्स हैं धोती या वेस्टर्न स्टाइल शर्ट पैंट्स, इन सब ने रिप्लेस धीरे धीरे करा है। मतलब एकदम पूरा नहीं, बट कुछ कुछ ऐसे जो मॉडर्न कल्चर है या जो हिंदू, लोकल हिंदू कल्चर है वो भी उसमें मिक्सिंग हो रही है। उसके बाद अगर देखें तो जो वुमेन की ड्रेस है वो एक वाइट कॉटन साड़ी की होती है, जिसमें 5 रेड लाइंस होती हैं जो कि एंड में डेकोरेटेड होती हैं। वुमेन भी इयररिंग्स, नेकलेसेस, बैंगल्स आर्म्स और एंकल्स पे पहनते हैं, और टोरिंग्स भी ये पहनते हैं। जो ऑर्नामेंट्स हैं वुमेन के या मेन के, वो जनरली ब्रास, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के बने रहते हैं। फोरहेड पे टैटू मार्क्स बनाए जाते हैं, और स्पेशल फेस्टिवल्स पे जो वुमेन होती हैं ओरियन की, वो स्पेशल ड्रेसेस को पहनते हैं। ओरियन जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, पिग्स, गोड्स, चिकन्स एंड बफेलो का ये फ्लैश कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ जब रिलीजियस सेक्रीफाइसेस पे, मतलब रिलीजियस फेस्टिवल्स पे, रिलीजियस सेरेमनीज पे जब सेक्रीफाइस होता है ये जानवरों का, ठीक है, उसमें वो मीट कंज्यूम किया जाता है। जो स्टेपल सीरियल है वो राइस है यानी कि चावल, साथ ही साथ वीट और मेज ये भी खाया जाता है काफ़ी ज़्यादा। वेजिटेबल पल्सेज एंड स्पाइसेज आर कल्टिवेटेड। मैन और वुमेन दोनों ही कंज्यूम करते हैं अल्कोहल को, और घर में ही राइस को यूज़ करके वो बियर को बनाते हैं। मैन जो है टबैको चबाता है, और जो वुमेन है शी स्मोक्स हुक्का इन होम। बाकी अगर लिटरेसी की बात करें तो ओरियन ट्राइब में जो बाकी स्केड्यूल ट्राइब्स हैं उसमें उनके मुताबिक इनमें लिटरेसी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, और पर्टिकुलरली वो जो ओरियन्स क्रिश्चियंस में, ठीक है, और उनको अच्छी एजुकेशन मिलने के कारण वो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी जॉब्स कर चुके हैं या करते हैं। एक प्रॉब्लम ऐसी लोग वहाँ के ओरियन के लोग फेस करते हैं कि जो लिटरेसी है वो ऑफन दूसरी लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश या और अदर लैंग्वेज, और जो उनकी लोकल मदर टंग है कुरुक या ओरियनी जो लैंग्वेज है उसमें नहीं होती है। सो ऐसा क्या होता है कि जब उनकी जो लोकल डायलैक्ट है, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है कुरुक, ठीक है, वही नहीं बोल रहे हैं लोग, तो वहाँ के लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सो अगर आगे बात करें तो इनकी हॉबीज़ में सिंगिंग और डांसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ के लिए। हर सोशल और रिलीजियस ओकेशन पे ये लोग सिंगिंग और डांसिंग करते हैं। साथ ही साथ ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो एक पाइप या ड्रम यूज़ करते हैं, और ये लोग मानते हैं जो पाइप और ड्रम है इन पर कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। शादी के टाइम जो वर्मिलियन है, मतलब सिंदूर, वर्मिलियन है सिंदूर, ठीक है, उसको ये लोग लगा करके शादी करते हैं। डांस इनकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले संथाल में देखा था कि संथाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डांस एंड सिंगिंग। सिमिलरली इनके लिए एक प्लेस होती है जिसको लोग जत्रा बोलते हैं, जो कि एक डांस मीटिंग होता है, ठीक है, और हर गांव में एक डांसिंग ग्राउंड होता है जिसको वो लोग अखाड़ा बोलते हैं, ठीक, और वहाँ पर डांस की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, इसको ये लोग जत्रा बोलते हैं और डांस मीटिंग। और ये जो डांस मीटिंग होते हैं ये ज़्यादातर जो विलेज के फेस्टिवल्स होते हैं उनके ही रिचुअल्स होते हैं। जैसे कोई एक फेस्टिवल होता है इनका हरबोरा, ठीक है, और उसी का एक पार्ट होता है ये डांसिंग, जो डांसिंग मीटिंग होती है, डांस मीटिंग होती है अखाड़ा में, वहाँ पर ये किसी न किसी रिलीजियस फेस्टिवल का ही पार्ट होता है। और कभी कभी ये जो रिलीजियस फेस्टिवल होता है, ठीक है, जो कि जत्रा होता है, ये काफ़ी बड़े लेवल पर होता है और काफ़ी सारे विलेजेस एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं जत्रा में, ठीक है। हर एक विलेज का एक जत्र फ्लैग होता है, ठीक है, जो कि जहाँ पर सारे लोग मीट कर रहे हैं वहाँ पर ले जाया जाता है, ठीक, लोगों के या जो यंग मैन होते हैं उनके शोल्डर्स पे, ठीक है, जो जानवरों हैं उनकी फ़ोटोज़ लगी होती हैं,
उनकी फोटो को कार्व किया जाता है, मतलब टैटू बनाया जाता है एज ए टाइगर हॉर्स या टॉर्टोइस। और कार्व करने के बाद, मतलब टैटू बनाने के बाद, तब ये लोग डांसिंग ग्राउंड पे या डांसिंग प्लेस पे मीट करते हैं। जो फ्लैग्स और एनिमल्स होते हैं वो टोटेम होते हैं। टोटेम मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक पर्टिकुलर क्लैन को रिप्रेजेंट करने वाला एक कोई भी ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई नेचुरल थिंग भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो फ्लैग्स और एनिमल्स होते हैं ये इनके लिए टोटेम का काम करते हैं, और इन्हीं के आगे सेक्रीफाइस किए जाते हैं एंड बियर और मिल्क को ऑफर किया जाता है। ओरियन जो होते हैं वो विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी में बिलीव करते हैं, और जो एविल आई है उसकी में भी बिलीव करते हैं, मतलब काला जादू और भूत प्रेत इन सब में बिलीव करते हैं। और एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर ये होती है कि झारखंड के जो लॉज हैं वो, मतलब ये लोग ऐसा करते हैं कि किसी एक पर्सन को एक्यूज़ कर देते हैं कि ये चुड़ैल है, ये विच है और ये सबका खराब कर रही है, ठीक है। और फिर जिसको एक्यूज़ करते हैं फिर उसको लोग वॉयलेंस करते हैं, उसको मारते हैं, और जनरली कभी कभी तो इतना मारते हैं कि उसकी वो मर जाती है, ठीक है, जिसको एक्यूज़ किया गया है। सो झारखंड गवर्नमेंट जो है, झारखंड के जो लॉज है वो इसको फॉरबिड करते हैं, इसको मना करते हैं, मतलब इसको जो विचिंग का एक्यूजेशन होता है इसको रोकते हैं, बट ये लोग मानते नहीं है, ये लोग करते हैं फिर भी ये काम। सो अगर कंक्लूड करें हम लोग ओरियन ट्राइब के बारे में, तो ओरियन ट्राइब जो है ये स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक। और अगर बात करें तो जो जो प्रॉब्लम्स बाकी सारी ट्राइब्स फेस करती हैं वही प्रॉब्लम्स इनके साथ भी हैं, ठीक है। इंडिया की सारी ट्राइब्स को मोर और लेस वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक्सप्लॉयटेशन, लोगों के सारा लोग उनको निगलेक्ट करते हैं, उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इनके पास लेस प्रोडक्टिव लैंड है, इसकी वजह से लोग नुकसान में जाते हैं या कर्जे में रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा गरीबी इनको देखने को मिलती है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि पूरा पूरा लैंड उनको लूज़ कर देना पड़ता है, मतलब वो चला जाता है उनके हाथ से, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है कर्ज चुकाने को। डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन आर कॉमन, ये हर ट्राइब में देखा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो झारखंड का एरिया है स्पेशली ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, उसमें काफ़ी ज़्यादा माओविज्म और नक्सलिज्म देखने को मिलता है, वहाँ पर रिबेलियस लोग देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अनसेफ इलाका हो जाता है। सो कुल मिला के ये इनके सोशल इश्यूज़ हो गए, या इनमें कंक्लूजन ही बोल सकते हैं। सो जैसे हर ट्राइब में वहाँ पर जो उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो लैक करता है, मतलब लोग निगलेक्ट करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, वैसे ही ओरियन ट्राइब का भी यही हाल है, ठीक है। बट होपफुली फ्यूचर में ये डेवलप करेंगे और सारी ट्राइब डेवलप करेंगे। सो कुल मिला के हम लोग ने ओरियन ट्राइब या कुरुक ट्राइब के बारे में डिस्कस किया उनके सारे में डिटेल में। और अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।